नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार शाहीन बाग में पिछले दो दिनों से आज भी पहुंचे और कल भी पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शाहीन बाग के लोग जिस तरह से लगातार कह रहे थे कि कोई उनको सुनने के लिए नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो वार्ताकार इनके बीच में पहुंच रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बातें जो लगातार 70 दिनों से और या यूं कहे कि पिछले काफी समय से जो है इनके मन में थी, वो बातें सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों के सामने कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, और वो जो सुन पा रहे हैं या सुनने के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या स्थिति है और अब जो है दो दिन के बाद माहौल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार आ रहे हैं, दो दिन हो गए हैं, तो जो बात आप उन तक पहुंचाना चाह रहे थे, क्या वो बातें पहुंच रही है? जी, हमने कल अपनी बात को पहुंचाया उनके पास और हमने उनको बताया कि जो आप हमारे पास आए हैं रोड खाली करवाने के लिए, 67 दिन के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया कि हम जाएं बात करें, लेकिन हमने उनको बताया कि जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो देश की हर जनता के लिए है, यहाँ पे केवल मुसलमान नहीं है, या हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग हमें लगातार बदनाम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि 500 रुपये लेके बैठे हुए हैं, कभी बोलते हैं कि आदमी लोग रजाई में बैठे हैं, औरतों को सड़क पर भेज दिया, कभी बोलते हैं कि बच्चों को मार दिया, कभी बोलते हैं बिरयानी खा रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाह रही थी कि हम तो भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट तो खाना खाएंगे भी। अब बात बिरयानी की है, भाई मैं बिरयानी खाती हूँ तो बिरयानी खाऊंगी, आप रोटी चावल खाते रोटी चावल खाएंगे, वो आलू खाते आलू खाएंगे, तो खाना तो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज खाती हूँ, मैं बिरयानी खाती हूँ। बहुत से ऐसे मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, जी मैं हिंदू हूँ, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भाई है, मेरे बहने हैं जो नॉनवेज को हाथ भी लगाते नहीं है। तो ये बिरयानी के साथ इस प्रोटेस्ट को जोड़ दिया, जो कि बहुत ही न्याय थी, छोटा सोच है उनका। साथ में एक बात बोलूंगी कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट आई है हमारे पास हमसे बात करने समझाने के लिए, बहुत स्वागत है उनका, उन्होंने बहुत प्यार से हमें समझाया और हमने बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि हम ये रोड तब खाली करेंगे जब CAA वापस हो जाएगा। बात यह कि CAA का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उसमें भी संज्ञान लिया जा सकता था, वो सरकार को बोल सकते थे कि आप CAA वापस ले लीजिए, रोड खाली हो जाएगा। हम तो सबसे यहाँ नहीं बैठे, लेकिन ये ना करके एक रोड मुख्य हो गया। आप देखिए कि रोड, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को, हजार लोगों को हो सकता है कि रोड की दिक्कत आ रही हो, लेकिन हमारा कोच बहुत बड़ा है। हमारा कोच क्या है? हमारा कोच है कि CAA वापस लेना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो बना है उसमें डेमोक्रेटिक है, धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बना है मनुष्यों और शहीदों के विचारों से, उसमें धर्मनिरपेक्ष है, उस रूप को खत्म हो रहा है ये। देखिए, कोर्ट जो यहाँ आई है वो CAA NRC के मुद्दे पे बात करने नहीं आई, वो सिर्फ एक ही मुद्दा लेके आई कि इस रोड को खाली किया जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है, और ये परेशानी वक्ती परेशानी है, जो आने वाले सालों में परेशानी होने वाली है उसका उनको अंदाजा नहीं है, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे। वो बार बार एक ही चीज़ पर जोर देने के रोड खाली कर दिया जाए, रोड खाली कर दिया जाए, या फिर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हम यहाँ पिकनिक प्लेस बनाने नहीं आए कि यहाँ 66-67 दिन हम धरने पर बैठे हैं, अब इसको खाली करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। जब हम मेन जगह पर मेन सड़क पर बैठे, तब तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हमको कहीं और अगर उठा के फेंक दिया जाए, वहां कौन आएगा हमसे पूछने के लिए, कौन आएगा हमको देखने के लिए? कहेंगे पड़े रहो सालों भर, मुझे उससे क्या मतलब। ऐसे भी वो बार बार कह रहे हैं हमारे गृहमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी, हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम भी एक इंच पीछे नहीं हट रहे हैं, ना हटने वाले हैं, और ना हम यहाँ के यहाँ शाहीन बाग का ये जो धरना स्पेस, इसको हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारी पहचान हो गई है और ये यही पहचान है, और इसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में धरना स्टार्ट हुआ है। आप क्यों हमारे पीछे पड़े? क्या और कहीं भी ट्रैफिक नहीं है? क्या कहीं भी जब जाटों का आंदोलन हुआ था तो वहां तो चक्का जाम किया गया था, ट्रेनें घंटों घंटा दो दो दिन तक बंद कर दी गई थी, वो आपको नजर नहीं आता? हर बात में सिर्फ शाहीन बाग। हम शाहीन बाग खाली कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप CAA में, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को आपने अलग कर रखा है, उसमें जब तक हमारा नाम शामिल नहीं किया जाए, हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का। तो और उन्होंने एक बात और यहाँ कही है आज के, हाँ यहाँ कल को कुछ अगर बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, यानी पब्लिक होगी। ये कैसे पॉसिबल है? आज रास्ता बंद है, गुंजा जैसे लोग आते हैं और कई और RSS के कार्यकर्ता आते हैं, हवाई फायरिंग करके चले जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जामिया, GNU, गार्गी, AMU में इतनी ज्यादा बर्बरता हुई है, वहां पर्स को लोग पत्थर बता रहे हैं कि स्टूडेंट पत्थर लेके लाइब्रेरी में बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
आपकी इन बातों पर संज्ञान लेकर के सरकार को भी कोई गाइडलाइन देगा, सरकार को भी जो है जॉब तलब करेगा? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो ये कुछ भी सुन ही नहीं रहे हैं सवाय एक ही मुद्दा के कि हमें ये सड़क खाली करनी है। और आज वो जायजा लेने गई है कि कोई भी ऐसा अगर रास्ता पॉसिबल नजर आता है कि इसके रहते हुए अगर दूसरा तीसरा नजर आता है रास्ता, तो हम उसको कल को उस टॉपिक पे वो बात करेंगे। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और NRC NPR CA के बारे में तो वो एक लफ्ज बात ही नहीं करी। वो तो कह रही कि अभी हम सिर्फ रोड के बारे में बात, तो इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं आपको? जो एडवोकेट आया है वो बोलता है कि रोड के मसला पर आया है। मैं बोलना चाहूंगी कि ये सॉल्व हो जाएगा। मेरा तो सिंगल डिमांड है, जो सरकार नहीं मानता है, लेकिन कोर्ट तो न्यायालय है और न्याय विचार करने के लिए आया है, तो वो संविधान और जनता का जो अधिकार वो बचाने के लिए NPR NRC और CAA वापस लेगा, और वो जो CAA रिजेक्ट कर देगा और NPR NRC रिजेक्ट कर देगा, तो रोड का जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब। एक बार कोर्ट बोल देगा तो हो जाएगा ना, रिजेक्ट कोर्ट देगा तो CAA NRP NCR रोड खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे ना कि हम तो जो है यहाँ पर रोड खुलवाने के मसले से आए हैं, हम CAA को वापस लेने की ये बातें नहीं कह सकते। तो सारी बात तो CAA से ही कनेक्टेड है ना। हजारों जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखता, ये रोड वैल्यू रखता है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला देना चाहिए था। कितनी 144 आ चुके हैं यहाँ से लगी हुई हैं, उस पे बात करनी चाहिए थी ना, उस पे आना चाहिए था। 68 डेज में आए तो आए रोड खुलवाने, मुद्दा रोड। देखिए, हमारा जो तो वही चीज आ जा रही है। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ करोड़ों आवाम की और पूरे हिंदुस्तान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। किसी को शौक नहीं है रोड पे बैठने का। आज से पहले हम कभी रोड पे नहीं बैठे थे। हम भी चाहते हैं हम जल्द से जल्द घर जाएं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपना यहाँ वक्त 24 घंटे बैठ के रात और दिन इतनी सर्दी में हम लोग यहाँ रहे हैं। हमारे बच्चे तक यहाँ खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद भी सरकार पर तो कुछ असर दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया में ये आवाज़ गूंज रही है, पर सरकार तक हमारी आवाज़ जा ही नहीं रही है। और कोर्ट भी हमें ये उम्मीद नहीं थी, कोर्ट भी हमारे बीच रोड को लेके तो आ गया है कि ये रोड खाली कीजिए, जो कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा कि CAA और NRC और NPR है, जो कि हमारे करोड़ों आवाम हमारी इससे जुड़ी हुई है, और जो अपने ही देश में हमें पराया कर दिया जाएगा, ये सबको पता है। ऐसे में अब रोड का मसला बना दिया है कि रोड को खाली कीजिए, और वो साफ तौर पर कह रहे कि हम जो है वो CAA के न पक्ष में है न विरोध में है, तो ऐसे में ये मसला हल कैसे होगा फिर? देखिए, ये हल हो सकता है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सरकार और जैसे आप, हम कहते हैं कि हम बहुत कानून पे भरोसा करते हैं, जो कानून में पड़े उन्हों को देखना चाहते हैं कि प्रोटेक्ट क्यों चल रहा है, उनको तो पता है ये बातें। और सरकार भी, सरकार चाहे तो इसको हल कर सकती। 68 डेज से 9 डेज हो गए बैठे हुए हम, जब आज तक हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम कैसे सरकार से उम्मीद कर ले कि वो हमें कहीं भेजती है तो ये सुनी जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात है, वो आज ये बात कह रहे हैं कि आप रोड खाली कर दीजिए, पब्लिक को परेशानी। 68 डेज पहले परेशानी नहीं थी, पहले भी परेशानी, जितनी परेशानी यहाँ से गुजरने वालों को उतनी परेशानी हमें भी, जो अपने घरों को छोड़कर आए। हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए, हम अपने संविधान को बचाने के लिए आए हैं, ठीक है। ये बात अच्छी तरह सारे लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, और कोर्ट भी जानते हैं इस बात को, ठीक है। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि ये आई है मैडम और कहने लगी किस रोड के बारे में कह रही है कि लोग यहाँ से रोड खाली करते, अगर रोड खाली करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो पहले ही खाली करवा लेते, कहते आप कहीं अपना ले जाइए, शिफ्ट कर लीजिए। हम तो, और मैंने सुना है एक न्यूज में कि यहाँ का कानून मंत्री कह रहा है कि कुछ लोग सड़कों पे निकले हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप जरा चश्मा पहनकर देखें कि पूरी दुनिया में, ये दुनिया में भी है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, लेकिन मीडिया इस बात को कवर नहीं, को छुपा रहे हैं। और यही काम वो यहाँ करें, क्योंकि शाहीनबाग से यहाँ से शुरू हुआ, शाहीनबाग तो बहुत बने हुए, शाहीनबाग यहाँ से शुरू हुआ, तो ये इसको दबाना चाह रहे हैं। जिस तरह जामिया के बच्चों की आवाज़ को दबानी चाहिए उन्होंने, ये अपनी ताकत के जरिया यहाँ के अवाम के लोगों की अपने वही वाली बात हो जाती है ना, जब देखते हैं कि बस चारा नहीं बचा कोई भी, तो उन्होंने बस रोड खाली कर, ये शांत हो जाएंगे। उनसे उन्होंने यही कहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यही जवाब दिया कि देखिए, CAA और ये सड़क कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि उसके बगैर, CAA के बगैर सड़क की बात नहीं होगी, और सड़क की बात बिना CAA के बात नहीं होगी। दोनों की बात जब होगी तभी बात होगी। और जहाँ तक सड़क खाली करने की बात है, जब तक CAA वापस नहीं होगा
तब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे और तब तक सड़क पे रहेंगे जब तक ये सरकार CAA आप काला कानून जो है वो वापस ना ले ले, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक अस्तित्व की लड़ाई है। क्या जो बातें यहाँ से उनके सामने रखी जानी चाहिए थी उस तरीके से आप समझ रहे कि उस तरीके से रखी जा रही है, और क्या जो बातें उनको सुननी चाहिए थी वो उस तरीके से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे? हाँ बिल्कुल सही बात है, जो उनको अपने तरीके से बात रखनी चाहिए वो बात रख रहे हैं, और प्रोटेस्टर को भी जिस तरह से अपनी बात रखना चाहिए वो भी उन्होंने अपनी बात बड़ी खूबसूरती से रखा, और उनका बस एक ही जगह पे था कि इसका सॉल्यूशन जो है, हम जो चाहते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक स्मूथ हो जो बाकी लोग जो है इससे सफ़र कर रहे हैं, तो प्रोटेस्टर ने अपनी बात ये रखी कि सर उनसे ज़्यादा जो सफ़र हम कर रहे हैं और हम क्यों सफ़र कर रहे हैं वो ड्यू टू CAR, NRC और NPR को लेकर के, तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें रिटर्न में या कहीं से भी किसी तरीके का एश्योरेंस मिल जाए, हमको मिसगाइड ना किया जाए, और मैं अपनी बातों को वो वापस लें या हमें रिटर्न में एश्योरेंस दे दें कि जो NRC है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये लागू नहीं होने जा रहा है। ठीक है। हाँ, लगातार दो दिनों से जो है वार्ताकार यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या आप जो लगातार बात कह रहे थे कि 66 दिनों से कोई नहीं आ रहा है, 67 दिन हो गए, तो अब जो वो आ रहे हैं तो आप अपनी बात जिस तरीके से आप रखना चाह रहे थे उस तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं अभी भी? देखिए, ये लोग जो आ रहे हैं ये मेरे मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, ये जो अपने मुद्दे मनवाने के लिए आ रहे हैं। हमारा मुद्दा है CAA, NPR, NRC, उसके लिए सरकार ने आज तक किसी को नहीं भेजा। ये सुप्रीम कोर्ट तो सड़क खाली करने के लिए भेजा है, हमारा सड़क का मसला है ही नहीं, हमारा तो जीने का अधिकार का मसला है, हमारे वजूद का मसला है, संविधान का मसला है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 का मसला है, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार हर इंसान को है या नहीं है? यहाँ तो जीने का अधिकार छीन लिया है इन्होंने, जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसको कुचल दिया जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जिस संविधान का शपथ लिए हैं और संविधान का शपथ लेकर वो कहते हैं प्रोटेस्ट में आते हैं वो मरने के लिए, कितनी शर्म की बात है। जीने का अधिकार सबको है इस देश में, नागरिकता का अधिकार सबको है, वो नागरिकता छीन रहे हैं ये लोग CAA के जरिए से, NPR के जरिए से। आपको उम्मीद है तो अब ये बताइए, जीने का अधिकार ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम है या हजारों सड़कों में से एक सड़क? ठीक है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को पहुंचना चाहिए। आप ये बड़ा सवाल है, अहम सवाल है आपकी तरफ से, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है, तो वो सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हिटलर शाह है वो डिक्टेटरशिप है वो उसको होने नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये लोग क्या करके रखे हुए हैं कि एक जज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, जस्टिस गांगुली ने साफ कहा है गलती हो सकती है, गलती कराई जाती है, और कोर्ट के चार जजों को निकलकर बाहर आकर कहना पड़ता है कि देखो डेमोक्रेसी खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट गुलाम बना लिया गया है। ये सरकार यही है, मीडिया को गुलाम बना लिया, सुप्रीम कोर्ट को गुलाम बना लिया। हम उम्मीदें बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हर जगह से उम्मीदों पे पानी फेरा जाता है तब हम सड़कों पे आए हैं। ये आखिरी फाइट है, फाइट टू डेथ, ये अपने वजूद की लड़ाई है, अपनी जान की हिफाजत की लड़ाई है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का मसला है, उसकी पीढ़ियों का, उसकी नस्लों का मसला है, ये संविधान का मसला है, इस देश के नागरिक का मसला है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा देश के करोड़ों लोग नहीं हटेंगे सड़कों से। और प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, ये किसी सरकार का, हम किसी से सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, तो आपको ये फंडामेंटल राइट है, सरकार हमको नहीं छीन सकती। और प्रोटेस्ट रोड में ही हो सकता है, आप संविधान को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जानना चाहिए कि सभी प्रोटेस्ट वो पब्लिक स्पेस में हो सकता है, ये पब्लिक दरअसल क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और बाकायदा इस CAA को वापस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अमित शाह ने देश के अंदर गृह डर का एक ऐसा माहौल बना दिया कि उन्होंने खुद ने कहा था कि पहले CAA भी आने जा रहा है फिर उसके बाद NRC आएगा, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन्होंने डरा के रख दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी को 30-32% लोग वोट देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नाम से डराती है ये सरकार। इस सरकार आपको उम्मीद है कि जो बातें यहाँ पर लोग रख रहे हैं आप लोग रख रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगा? देखिए क्या है कि इसी मामले में जिस पर अभी ये लोग मीडिएशन के लिए आ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि लार्जर बेनिफिट को देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था कायम करे। अब दिल्ली पुलिस को यह तय करना है और सुप्रीम कोर्ट को यह समझना है कि लार्जर बेनिफिट 2 घंटे का जाम है या लार्जर बेनिफिट जिसके लिए 1000 से ज़्यादा जगहों पर 24 घंटे महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़क पर बैठी हुई है, लार्जर बेनिफिट 2 घंटे का ट्रैफिक जाम है या लार्जर बेनिफिट देश का संविधान है, देश के मूलभूत ढांचे को कुचला जा रहा है, वो लार्जर बेनिफिट है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, इसी मामले में PIL डालने वालों ने जब दिल्ली हाईकोर्ट में PIL डाला था तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट है कि लार्जर बेनिफिट को देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था कायम करे। आप बताइए चाचा, जितने 67 दिन हो गए, 70 दिन के हो गए, आप लोग बैठे हुए थे कि कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, तो अब सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज आए हैं, तो क्या वो बात जो आपके दिलों में थी वो कह पा रहे हैं और वो सुन पा रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं जो ये CA और जो 4 कानूने अपनी कानूने वापसी ले, रोड 1 घंटे में खाली हो जाएगा, रोड के पीछे पड़े हुए हैं, रोड खाली कर दो, रोड खाली कर देंगे तो फिर हमारी सुनवाई कौन करेगा? हमारा तो कोई भी सुनवाई नहीं करेगा, रोड 2 घंटे में खाली हो जाएगा। ये अपने कानून वापसी ले लें, लिखित रूप में दे दें कोर्ट में और अदालत में, अपनी सब जगह लिखित रूप में दे दें तो ये रोल 2 घंटे में खाली हो जाएगा, यहाँ का नहीं पूरी इंडिया का खाली हो जाएगा। तो इस पर जो है सहमति कैसे बनेगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं तो इनको करना पड़ेगा, मोदी जी को, अनिल साकू, इन्हीं को करना पड़ेगा, ये अपनी कानून वापसी लें, कानून वापसी लें, रोड हम 2 घंटे में खाली करा देंगे, पूरे इंडिया के खाली करा देंगे। देखिए, हम जो हमें जो बोलना है हम वो बोलेंगे, सामने वाले को क्या सुनना है वो उस पर डिपेंड करता है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ काले कानून CAA MPR NRC को लेके हम, और हम पहले दिन से जब यहाँ प्रोटेस्टर सिर्फ 5 प्रोटेस्टर थे, जो जामिया में जिनके बच्चों को पीटा गया था वो 5 लोग यहाँ बैठे हुए थे, उससे शुरू हुआ और यहाँ ऑन द स्पॉट आज जो है 50,000 लोग हैं। हमारी तब भी वही मांग थी कि काला कानून वापस ले, आज भी हमारी वही मांग है काला कानून वापस ले। 70 दिन के बाद जो है बात क्या निकली है, बातचीत किस चीज़ पे हो रही है, इस बेजान सड़क के लिए बात हो रही है। आज जो इस पे सड़क पे जानदार जो लोग बैठे हैं ना, उनकी आज भी कोई बात नहीं है, उनकी आज भी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है कि वो यहाँ आखिर बैठे क्यों हैं, क्या चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से सुरक्षित रखना चाहते हैं, संविधान से जीना चाहते हैं, सिर्फ यही तो वो मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, कुछ अलग से तो अपना कुछ और तो नहीं कह रहे हमारे लिए कि स्पेशल कानून लेके आ जाओ, मगर हाँ जो कानून लाया गया है इसमें मुझे नहीं लगता, मुझे क्या नहीं लगता, यहाँ पे जितने लोग करोड़ों की तादाद में जो 250 प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। आप लोग जो हैं वो CA को लेकर के बात करना चाह रहे हैं, वो रोड को लेकर के बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में भी ये मसला हल कैसे होगा? उनकी बात हमने बहुत गौर से सुनी और उनकी जो परेशानी उन्होंने हमसे जताई है या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने नुमाइंदे भेजे हमसे बात करने के लिए, हम उनसे रूबरू हुए और हमने उनसे बात करी। देखिए, आधा किलोमीटर में प्रोटेस्ट हो रहा है, जी ब्लॉक के सामने प्रोटेस्ट है, दिल्ली में प्रोटेस्ट है, सड़कें UP की बंद है। भाई ये क्या बात हो गई, क्या यूपी में क्या महामाया पे क्या प्रोटेस्ट बैठा हुआ है, क्या जनता बैठी है धरने पे? पूरा महामाया शुरू से लेके एंड तक जो है बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सरिता विहार बंद है, कालंदी कुंज बंद है, पुष्ता रोड बंद कर रखा है, किसने कर रखा है? अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, मगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए सड़कें ब्लॉक कर रखी है आपने तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन है आप पर, जनता किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भीड़ में से किसी चेहरे से पूछ लीजिए कि क्या सॉल्यूशन है, कि महामाया खोल दिया जाए, कालंदी कुंज खोल दिया जाए, पुष्ता रोड खोल दिया जाए, मीठापुर का रोड खोल दिया जाए। फिर आपको उम्मीद है कि आप जो ये बातें यहाँ पर रख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 24 तारीख को सुनवाई है, तो वहाँ पर ये बातें अपनी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान लेते हुए सरकार को CA वापस लेने के लिए कुछ कहेगी, इसकी उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद हम करते हैं सरकार से और उम्मीद क्या, मैं तो बल्कि गुहार लगाती हूँ इससे और अपील करना चाहती हूँ मैं अपने जजेस से और अपनी कोर्ट से कि वो प्लीज़ हमारी बात सुने कि ये जो कानून, जो भी कानून लाया जाता है वो कानून लाया जाता है जिसमें जनता का हित होता है, जो जनता के खिलाफ हो या जनता जिसके खिलाफ हो उस कानून का क्या फ़ायदा? इस कानून से सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार का हित है, सरकार का फायदा है, जनता का कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अपने जजेस से और उनसे कि हमारी परेशानियों को समझे, जब जिस कानून को जनता एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती या नहीं लेना चाहती या नहीं उनको चाहिए ही नहीं है, वो जिस हाल में है या जैसे वो सारी कम्युनिटीज के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, खाना कमाना मुश्किल हो गया, आज 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है बगैर नौकरी के, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो 75% है वो बिलो द लाइन आते हैं। ठीक है, तो देखिए लगातार जो है 2 दिन हो चुके हैं, आज कल भी सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार पहुंचे थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार यहां पर पहुंचे हैं।
लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वार्ताकार यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ रोड की बातें सुनना चाहते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो रोड को कैसे खाली करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि CNRC पर बात हो। ये इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक बेजुबान सड़क के लिए, एक बेजान सड़क के लिए जो है वो इतना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बना रही है और उसके लिए जो है प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम करोड़ों लोगों की जो जान जो है वो जोखिम में आ गई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगी या नहीं लेगी ये बड़ा मसला होना चाहिए, और संज्ञान लिया जाता है या नहीं लिया जाता है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे, 24 तारीख को सुनवाई होगी, और वहाँ पर ये तमाम बातें जो हैं यहाँ पर जो महिलाएं कह रही है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, वो बातें जो है वो कोर्ट में रखी जाएंगी, और कोर्ट उसके बाद में क्या संज्ञान लेता है, क्या सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि आप लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मसला है और रोड का ये मसला नहीं है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी